आधी रात को हाथ में बंदूक थामे खड़ा ये शख्स कोई डाकू या चोर नहीं बल्कि हाईकोर्ट एडवोकेट है, जिसका नाम मकसूद अली खान है। इस शख्स ने आधी रात को एक जायदाद के मसले में अपने पड़ोसियों को डराने के लिए हवा में फायरिंग की। रात करीब 1 बजे एक जायदाद के 2 दावेदारों के बीच झगड़ा हुआ और हाथापाई हुई। यहां तक कि खवातीन भी हाथों में लकड़ियां थामे मर्द अफराद पर हमला करते हुए नजर आए। इस वाकये में हर दो तरफ के अफराद जख्मी हुए, लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि फायरिंग में कोई जख्मी नहीं हुआ। वाकये की इत्तला मिलते ही मीरचौक पुलिस और ACP मीरचौक डिवीजन और साउथ जोन टास्क फोर्स फौरी मुकामे वारदात पहुंच गए। पुलिस ने तफसीलात हासिल करने के बाद एडवोकेट मकसूद अली खान को हिरासत में ले लिया। मीरचौक पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकत का आगाज कर दिया। एक गली में एक पुराना प्रॉपर्टी है, घर, एक घर 13 लोगों का घर है, 13 लोगों का पार्टनरशिप का घर है। उसमें 3 आदमी क्या करे, वो लोगों का हिस्सा बेच दिए। वो घर अब तक 3 का हाथ चेंज हो गया। बाद में ये अरफत बोलने वाला ये घर को खरीद करे, खरीद करके वो घर का अंदर उन्होंने पोजीशन लेने के लिए आया। पोजीशन लेने के लिए आए तो लास्ट सैटरडे गड़बड़ हो गया। सर, मैं घर खरीद करे वो पोजीशन लेने के आए तो गड़बड़ कर रहा है, हमारा को डिस्टर्ब कर रहा है, मेरा घर का सामने बैठ रहे बोल के पुलिस स्टेशन को आके कंप्लेंट दिए मीरचौक में FIR करे वो लोगों के ऊपर, वो केस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अभी नाइट ए फर्स्ट पार्टी मकसूद अली खान एडवोकेट और मुर्तुजा अली खान तरता हसीमुन्निसा बेगम खुर्शीद और थोड़ा लोग आके वो लोगों का लाइसेंस गन लेके आके वो लाइसेंस गन से फायरिंग करे, वो हवा में फायरिंग करे, वो उससे किसको मारने लगे। बाद में वो लोग हाथ में क्या मिले तो वो लेके ईच अदर मार लिए तो वो 2 आदमी की इंजर्ड हुआ। वो लोगों के हॉस्पिटल भेज रहा हूँ, इसमें केसेस बुक करके इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, एयर फायर करे वो लोग, एयर पर करे, रीजन क्या है लेट नाइट को एयर फायर करने का, रीजन क्या है रेसिडेंशियल एरिया में एयर फायर करने का, रीजन क्या है क्यों करे बोले तो वो लोग घर में है ना, वो लोगों की डराने के लिए करे बोल के बोल रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन करके क्या रीजन है निकालता हूँ। कितना राउंड बोल के करेक्ट बोले कि नहीं आ रहे, वो वीडियो देख के मैं भी कितना, वो पुलिस आने का पहले वो फायरिंग हो गया, थोड़ा देर के बाद वीडियो मिले हमारा को फायरिंग करे बोल के एग्जैक्टली इतना राउंड बोल के नहीं मालूम। फायर में कोई भी इंजुर्ड नहीं हुआ।